जय श्री हरि भक्तजनों, आप सभी को मोहिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। इसके साथ ही साथ स्पिरिचुअल ज्ञान चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे भगवान श्री कृष्ण मोर पंख क्यों धारण करते हैं। वीडियो को शुरू करते हैं। रामायण काल में एक बार वनवास के समय माता सीता जी को वन में बहुत प्यास लगी। ऐसे में भगवान श्री राम जी ने आसपास जल का स्रोत खोजना प्रारंभ किया, लेकिन जल का कोई भी स्रोत ना मिला। तब भगवान श्री राम ने वन से प्रार्थना की कि इस वन में यदि कहीं जल हो तो हमारा मार्गदर्शन करें और हमें जल तक पहुंचाएं। इतने में वहां एक मोर आता है जो श्री राम जी से कहता है कि प्रभु, मैं जलाशय का मार्ग जानता हूँ, आप मेरे साथ चलें। लेकिन प्रभु, मैं तो उड़कर जाऊंगा और आप पैदल चलेंगे तो आप मार्ग भूल सकते हैं, अतः मैं रास्ते में अपने पंख बिखेरता जाऊंगा, आप उन्हीं पंख के पीछे पीछे आ जाइएगा। मोर अपने पंख बिखेरता हुआ जलाशय तक पहुंचा। पीछे से श्री राम जी, माता सीता और लक्ष्मण जी भी पहुंचे तो वहां देखा कि मोर बिना पंख के घायल अवस्था में पड़ा हुआ मृत्यु का इंतजार कर रहा था। यह सब देखकर भगवान श्री राम जी ने मोर से कहा कि आज तुमने हमारी प्यास बुझाने के लिए इतना बड़ा त्याग किया है, तुमने अपने प्राणों के बारे में भी ना सोचकर हमारे प्राणों के बारे में सोचा। मोर बोला, जो सारे संसार की प्यास बुझाते हैं, आज मुझे उनकी प्यास बुझाने का मौका मिला है, इसे मैं कैसे छोड़ सकता था भगवान। श्री राम ने उस मोर को मुक्ति प्रदान की और कहा कि इस त्याग का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। अगले जन्म में जब मैं श्री कृष्ण का अवतार लूंगा तो अपने सिर पर मुकुट के तौर पर मोर पंख को धारण करूंगा। और ऐसा ही श्री कृष्ण जन्म के पश्चात भगवान श्री हरि ने किया। तो कैसी लगी आप सभी को ये कहानी, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। स्पिरिचुअल ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इसी तरह की और स्टोरीज के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।